हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माइंड स्माइंड ट्यूटोरियल सो आर टुडेज टॉपिक इज फ्रॉम द सब्जेक्ट इक्थियोलॉजी ऑलसो नोन एज फिश स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस सो आ टॉपिक इज एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड फ़िशेज सो लेट्स get स्टार्टेड तो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड फिशिज़ ये जो टॉपिक है अगर हम इसको थ्योरी के बेसिस में देखते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाता है जिसमें हम वेरियस तरह की जितनी भी फिशेज हो सकती हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं इसके फंक्शन क्या हो सकते हैं कितने टाइप्स के एक्सेसरी रेस्पिटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं फिश में हर तरह की चीज़ हम देखते हैं लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकल के अंदर देखा जाता है तो तीन फ़िशज बेसिकली देखी जाती है जिसमें से पहली होती है एनिबस एनेबस के बाद एक होती है क्लेरियास और थर्ड होती है हेट्रॉप तो ये जो वीडियो सेगमेंट हमने बनाया है इसके अंदर हम शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं क्या है क्यों होते हैं इनके बेसिक टाइप्स क्या हो सकते हैं और जो तीन फिशेज होती हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे अगर आप और चाहेंगे तो आगे इसकी और डिटेल्स में और टीच कर दूंगी अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी और डिटेल्स और जरूरी है तो हम लोग देखेंगे लेकिन अभी फिलहाल ये प्रैक्टिकल के हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा इसलिए हम लोग तीन फिशेज ये जो रहेंगे उनके ऊपर फोकस करेंगे अब क्या होता है ये जो वर्ड है एक्सेसरी एक्सेसरी का मतलब होता है कोई चीज एक्स्ट्रा हो या हेल्पफुल हो किसी चीज की अगर हमें एक्स्ट्रा में जरूरत पड़ रही है तो हम उसकी जगह एक्सेसरी वर्ड यूज कर सकते हैं तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं तो जनरली होता क्या है जब भी एडल्ट फिशेस होती है यानी कि मेच्योर फिशेस होती है वो डिपेंडेंट रहती चीफली ऑन फेरेंजियल गिल्स फॉर एक्विटिक रेस्पिरेशन तो इन्हें जो भी रेस्पिरेशन करना होता है पानी का जो रेस्पिरेशन रहता है पानी के अंदर सांस लेनी होती है तो इन्हें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है फेरेंजियल गिल्स की जरूरत पड़ती है अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं हम बेसिक शब्दों में कह सकते हैं कि गिल्स की इन्हें ज़रूरत पड़ती है हमें बचपन से हमने पढ़ा है कि फिशेज रेस्पिरेशन करती है गिल्स के थ्रू तो वही चीज़ हम यहाँ कह रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो इनमें अलग से प्रेजेंट होते हैं जो इनको सप्लीमेंट करते हैं या फिर रिप्लेस कर देते हैं गिल रेस्पिरेशन को यानी कि इनमें ऐसी कई चीजें पाई जा सकती है जो कि कहीं ना कहीं गिल रेस्पिरेशन के बराबरी तक पहुंच सकते हैं या फिर उसकी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है फिश की उसके अंदर उसको और हेल्प कर सकते हैं सप्लीमेंट कर सकते हैं तो अब हम उसको देखते हैं कि ये होते हैं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स सबसे पहले यहां पर जो पॉइंट आ रहा है वो कुछ इस तरह अब क्या होता है ऑल सच एडिशनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अदर देन गिल्स आर नोन एज एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स सो यर इज द डेफिनेशन कि जितनी भी एडिशनल प्लस में आते हुए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं एक्स्ट्रा वाले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं गिल्स के अलावा उन्हें कहा जाता है एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो गिल्स तो मेन ऑर्गन थे उसके अलावा जितने एक्स्ट्रा वाले हैं वो एक्सेसरी कहलाएंगे अब क्या होता है जो डेवलपमेंट होता है एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का वो मोस्टली फ्रेश वाटर फिशेज जो कि ट्रॉपिकल रीजन की होती है उनमें पाया जाता है इसका मतलब क्या हुआ ऐसा फ्रेश वाटर फिशेज यानी ऐसा पानी जिसमें सॉल्ट कंटेंट जो होता है वो बहुत कम होता है के बराबर होता है तो कभी कभी उसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट कंटेंट होता है लेकिन पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि ना के बराबर ही होता है तो सॉल्ट कंटेंट जिसमें बहुत कम होता है उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं तो ऐसी मछलियाँ जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं नदियों में पाई जाती है झील में पाई जाती है उनको फ्रेश वाटर फिशेस कहते हैं और वो ट्रॉपिकल रीजन के अगर हैं तो उन, उनके अंदर ज्यादातर एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलते हैं लेकिन यही जो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं ये बहुत रेयरली पाए जाते हैं मराइन फिशेज में यानी कि ऐसे फिश जो कि सॉल्ट कंटेंट जिन पानी में ज्यादा होता है उसमें रहना पसंद करती है या फिर वहीं उनके एडेप्टन अच्छे से हो पाते हैं अब मराइन क्या वाटर होता है जैसे कि ओशन हो जाएगा सी हो जाएगा एटसेट्रा तो ये बात यहाँ कही गई कि फ्रेश वाटर फिशेज में एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन ज्यादातर पाए जाते हैं वहीं मेराइन फिशेज में वो रेयरली पाए जाते हैं तो एक छोटा सा पॉइंट था यहाँ पर अब क्या होता है जो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो इनेबल करते हैं फिशेस को जिससे कि वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट वाटर के अंदर भी रह सके यानी कि जिस पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ऐसे पानी में तो मछलियों को मर जाना चाहिए लेकिन उन पानी के अंदर भी फिशेस सरवाइव कर सकती है तो वो किसकी वजह से कर पाती है वो इन एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की वजह से सर्वाइव कर पाती है और ये क्या करते हैं ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन से एक्स्ट्रा वाले ये उन्हें हेल्प करते हैं टू एस्टिवेट एस्टिवेट ओवर प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉप In dry से बचने के लिए उस विंटर में वो जाकर सो जाते हैं जिसको हम हाइबर्नेशन कहते हैं और जब वो विंटर खत्म होता है तो उठकर वापस आ जाते हैं अब उसके बाद उस कंडीशन में जब वो रहते ना वो वहाँ खाना खाते बल्कि उनके अंदर एक फैट लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसके बाद से वो पूरे टाइम वहां सर्वाइव कर पाते हैं तो ये होती है विंटर स्लिप जिसको हाइबरनेशन कहते हैं उसी तरह से कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो समर में सर्वाइव नहीं कर पाते वो समर में जाकर सो जाते हैं उस समर की स्लीप को एस्टिवेशन कहा जाता है तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जब एस्टिवेशन करना होता है जब बहुत सूखा पड़ जाता है ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाना तो इस तरह का सूखा पड़ रहा है ड्राई समर है गर्मी का मौसम है पानी की कंडीशन ठीक नहीं है ऐसी कंडीशन में फिशेस भी एस्टिवेट कर सकती है तो इस एस्टिवेशन को पूरा करने के लिए भी ये ऑर्गन बहुत हेल्पफुल होते हैं सो टू टेक एक्सकर्शन ऑन लैंड और सिंपली टू मीट एक्स्ट्रा डिमांड फॉर ऑक्सीजन तो या तो फिश को अगर गर्मी से बचना है लैंड के ऊपर जीना है तो उसमें भी ये ऑर्गन उसकी हेल्प करते हैं या फिर अगर पानी

एम फी प्लस जो कि फर्स्ट नंबर पे है दूसरे बाद चन्ना है जिसको ऑफियो सिफेलस कहा जाता है एनेवा से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है देन क्लेरिया से जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है लास्ट में हमारे पास हेट्रॉफ है जिसको सेको ब्रेकस कहते हैं तो ये जो तीन मैंने लास्ट में टिक करी ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दो वहाँ पर एक्स्ट्रा डायग्राम है तो ये डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर और फोकस कर लेते हैं तो उसको एडजस्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर तो आप लोग इसको प्लीज़ ड्रॉ कर लेना अपनी कॉपी में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं डायग्राम्स तो यहाँ पर मैं आपको टाइप्स बता रही हूँ जो कॉमनेस्ट एयर ब्रीदिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो कि फिशेस के बीच में पाए जा सकते हैं कॉमनेस्ट वाले हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं पहले स्किन दूसरा हो सकता है ब्रेंचियल इपिथिलियम या फिर ब्रेंचियल डायवेटिक्यूलम थर्ड है फेरेंजियल एपिथीलियम और फेरेंजियल एवर्टिकुलम एयर फिल्ड ब्रेंचियल चैम्बर या फिर गैस ब्लेडर एंड लंग या फिर लास्ट में स्टमक एंड इंटेस्टाइन तो ये सारी चीज़ें एयर ब्रीदिंग स्ट्रक्चर्स कहीं ना कहीं हो सकते हैं अब हम इसकी डिटेल देखेंगे लेकिन इससे पहले यहाँ मैंने टाइप्स बता दिए अब मैं वो तीन फिशेज के ऊपर पहले फोकस करती हूँ उसके बाद हम लोग और ज़्यादा अगर डिटेल होगी तो उसको डिस्कस कर लेंगे आगे की वीडियोज़ में तो पहले हम वो थ्री फिशेज देख लेते हैं एनिबस क्लेरियास और हेट्रोपन्यूस्टिस सबसे पहले है एनेबस उसको देख लेते हैं इसके अंदर क्या होता है यहाँ दो एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं जिसे सांस लेते हैं ना वही एयर चैम्बर्स होते हैं तो ये दो एयर चैम्बर्स वहाँ पर होते हैं दोनों ही एयर चैम्बर्स दोनों साइड जो होते हैं उसके हेड के उसके सिर के आसपास दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं राइट और लेफ्ट दोनों साइड अब यहाँ क्या होता है दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेंचल कैविटीज ये जो एयर चेंबर्स होते हैं किस चीज़ के एक्सटेंशन होते हैं ब्रेंचल कैविटीज के यानी कि आगे बढ़कर एयर चैम्बर्स ब्रेंचल कैविटीज से फॉलो अप हो रहे हैं और दे कंटेन कंसेंट्रिकली अरेंज्ड वेवी प्लेट्स इनके अंदर कंसेंट्रिकली यानी कि इस तरह से कुछ अरेंज्ड वेवी प्लेट्स पाई जाती है जिसको लेबरेंटी फॉर्म ऑर्गेंस कहा जाता है तो इन जो वेवी प्लेट्स हैं जो कंसेंट्रिकली अरेंज्ड है उन्हें क्या कहते हैं लेबरेंटी फॉर्म ऑर्गेंस कहते हैं विच आर आउटग्रोथ्स ऑफ जो कि क्या होती है आउटग्रोथ्स होती है अपर पार्ट ऑफ द फर्स्ट ब्रेंचल आर्च जो पहली ब्रेंचल आर्च होती है इसके अंदर उसको अगर थोड़ा सा आप आउटग्रोथ कर दो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो फॉर एग्जाम्पल ये एक नॉर्मली फर्स्ट ब्रेंचल आर्च है इसको थोड़ा सा हमने एक्सटेंड कर दिया तो ये जो आउट होती है वही बनाती है आगे जाकर इन लेबेरट्री फॉर्म ऑर्गन्स को अब क्या होता है ये जो प्लेट्स होती हैं ये प्लेट्स कवर्ड रहती हैं यहाँ पर हम टिक करते हुए चलते हैं ये प्लेट्स कवर्ड रहती हैं विथ वेस्क्युलर तो क्या हो रहा है यहाँ इसकी जो कवरिंग होगी वो कैसी होगी वेस्क्युलर मेम्ब्रेन की बनी होगी यानी बहुत सारी वेसल्स वहाँ पर प्रेजेंट होगी ब्लड वेसल्स अब क्या होता है ईच चैम्बर यहाँ जो हर चैम्बर होता है हर चैम्बर का मतलब है एयर चैम्बर की बात कर रहे हैं तो जितने भी यहाँ चैम्बर्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं फेरिंग्स के साथ बाय द फर्स्ट स्लिट यानी कि जो चैंबर है वो किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है फेरिंग्स के साथ फेरिंग्स क्या होता है एक ऐसा पोर्शन जहां पर विंड पाइप भी आता हो और फूड पाइप भी आता हो तो वो जो बीच का पोर्शन होता है उसको हम फेरिंग्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन में भी ऐसे होता है एक जगह होता है हमारा विंड पाइप का ओपनिंग और एक जगह होता है हमारा फूड uh, पाइप का ओपनिंग खाने की जहां से पासिंग होगी और जहां से सांस की uh, जो नली कहा जाता है हिंदी में तो ये जो पोर्शन होता है इसका जो कॉमन एरिया होता है जहाँ ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती उसको है उसको फेरिंग्स कहते हैं तो ये जो चैंबर रहता है एयर चैंबर वो फेरिंग्स के साथ कम्युनिक ट करता है कैसे करता है बाय द फर्स्ट गिल स्लिट पहली गिल स्लिट के थ्रू तो गिल्स का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है आपने देखा होगा फिश के ऊपर तो पहली जो गिल की स्लिट लगी होती है ना वही स्लिट के थ्रू यहाँ पर कॉन्टेक्ट होता है अब क्या होता है एंड विद द गिल कैविटी बाय एन ओपनिंग सिचुएटेड बिटवीन द द एंड फर्स्ट ब्रेंचियल आर्च दूसरी चीज ये जो चैंबर रहता है ये कम्युनिकेट कर रहा है फेरिंग्स के साथ एक तो गिल स्लेट के साथ दूसरा किसके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है एक गिल कैविटी के, के थ्रू जो कि एक ओपनिंग होती है कहाँ सिचुएटेड रहती है हायोइड एक बोन होती है हाईयड बोन की तरफ जो कि टंग बोन कहलाती है ज्यादातर टंग बोन इन लोगों में नहीं कहेंगे लेकिन हम लोग और फर्स्ट ब्रेंचल आर्ट्स के साथ तो इन दोनों के बीच में यानी हाईड और फर्स्ट ब्रेंचल आर्ट जो होती है हायोइड मान लेते हैं ये फर्स्ट ब्रेंचल आर्ट है तो इसके बीच में जो एक कहना चाहिए कैविटी होती है जिसको गिल कैविटी कहते हैं तो वो भी कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है फेरिंग्स के अंदर चैम्बर का तो ये वाली चीज हो जाती है अब एयर इज ड्रॉन इन बाय द माउथ इनटू टू द एयर चैम्बर बाय द फर्स्ट गिल स्टेट सबसे पहले यहाँ जो एयर वो जो सांस ले रही है ना यहाँ पर फिश वो जो एयर है वो माउथ के अंदर आती है लेकिन कैसे आती है इन द एयर चैम्बर माउथ से एयर चैम्बर तक जा है लेकिन कैसे फर्स्ट गिल स्लेट के थ्रू एंड इट पासेज आउट बाय द ब्रेंचल अपर्चर और फिर बाहर कैसे जाती है तो ब्रेंचल अपर्चर के थ्रू वो बाहर जाती है तो ये एनेबस का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो गया जितना एक प्रैक्टिकल में हमें लिखना चाहिए वो काफ़ी होता है नेक्स्ट हमारे तो यहाँ पर मैं इसके डायग्राम को शो कर देती हूँ डिसेक्शन के लिए यहाँ पर ये जो बीच का पोर्शन है इतना सारा तो इसके अंदर यहाँ पर कुछ फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ ये सारे फोल्ड्स है कुछ इस तरह से इनको लेबेरिंटी फॉर्म ऑर्गन कहा जाता है यहाँ जो ब्लैक पोर्शन है वो एयर चैंबर है आइस तो हमें समझ में आई जाती है नोस्ट्रेल है यहाँ पर ये उसका माउथ है ईजी डायग्राम लिया है बहुत और ये यहाँ पर गिल्स है फिर उसके बाद ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये तो पेक्टोरल फेन है जिसका अभी हमसे कोई कंसर्न नहीं है पर अभी हमें जिन पर फोकस करना तो वो हमने देख लिया तो ये हो गया डिसेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एनेबस तो ये एनेबस की बात होगी अगर हम लोग इसको थ्योरी के अंदर अगर हमको जो थ्योरी पोर्शन होता है तो उसके अंदर अगर ये वाले टॉपिक के नोट्स वगैरह बनाने होंगे तो ये प्रैक्टिकल पोर्शन का फर्स्ट वीडियो इसके बाद जितने मैं आगे कंटिन्यू करूंगी उन सबको मिला के हम लोग थ्योरी में मानेंगे लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए फर्स्ट वीडियो ही सफिशियंट होगा तो ये पार्ट वन इस प्रैक्टिकल और जितने आगे के पार्ट्स होंगे वो पूरा मिला के थ्योरी को कवर कर देंगी तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर क्लेरियास एयर चैम्बर्स विच आर आउट ग्रोथ्स ऑफ द गिल केविटीज एंड दे इनक्लोज ब्रांच्ड वेस्क्युलर प्रोसेस क्लेरियास के अंदर एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं जो कि आउट ग्रोथ्स होती है थोड़ा बढ़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है किसका गिल केविटीज का और ये इंक्लोज करते हैं यानी अपने अंदर बंद करते हैं किस चीज़ को ब्रांच्ड वेस्क्युलर प्रोसेसिस को अब ये जो ब्रांच्ड वेस्क्युलर प्रोसेस होती है उनके नाम होते हैं डेंट्री फॉर्म या फिर आर्बोरेसेंट ऑर्गन्स यहाँ पर दो सच और देर आर टू सच ऑर्गन विच आर आउट ग्रोथ द अपर पार्ट ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ ब्रांचल यहाँ पर दो ऐसे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जनरली जो कि होती अपर और फोर्थ ब्रांचल है वो, साथ में फोर्थ सिर्फ टर्मिनोलॉजी पर फोकस करना है डिटेल में हम इसमें अभी जान ही रहे आगे हम इसको डिटेल में और देखेंगे सिर्फ प्रैक्टिकल के बेसिस पर है यह पार्ट वन तो इसको हम समझते रहे लेकिन थ्योरी के लिए भी यह जरूरी है तो पार्ट वन के आगे हम डायरेक्ट पार्ट टू से पड़े वो भी ठीक नहीं होगा तो हम लोग इसको भी डिस्कस करते हुए जाएंगे नेक्स्ट है हमारे पास है हमारे पास डिसेक्शन ऑफ एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ क्लेनर्स उसका तो हमने पॉइंट तो देख लिए थे अब इसका डायग्राम थोड़ा सा डिटेल व्यू में देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर एयर चेम्बर शोन है अगेन ब्लैक ब्लैक पोर्शन एयर चेंबर को शो कर रहा है यहां पर कुछ फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर है वो डेंड्री फॉर्म ऑर्गन है गिल्स तो यहाँ पर है ये सारे गिल्स है यहाँ पर यहाँ पर आई है यहाँ पर इसका बार्बल है बार्बल के बाद यहाँ नोस्ट्रेल आ जाती है यहाँ पर इसका माउथ है और ये सारे जो जा रहे हैं वो भी बार्बल्स में काउंट होंगे

अब क्या होता है इनकी अंदर ये जो एक्स्ट्रा ब्रांचल है ये क्या करता है इसके अंदर पेयर ऑफ ये वाली बात हुई एज आउटग्रोथ ऑफ द गिल चैम्बर एक्सटेंडिंग एज फार एज द मिडल ऑफ द टेल रीजन अब यहां पर ये जो हिस्सा है ये इस तरह से आउटग्रोथ बनाता है जैसे कि गिल चैम्बर हो यानी कि वो जो यहाँ पर एक्स्ट्रा पोर्शन बनेगा वो कैसा रहेगा एक गिल चैम्बर की तरह रहेगा जो कि कहाँ तक एक्सटेंड होता है वो एज फार एज द मिडल ऑफ द टेल रीजन जहाँ इसकी टेल रीजन होगा उसके बीच के पोर्शन तक ये पूरी एक्सटेंडिंग होते हुए यहाँ तक आएगा उसके बाद क्या होता है एट द हाइंड एंड ऑफ द एक्स्ट्रा ब्रांचल डाइवर्टिकुलम देर आर फोल्ड्स फॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ एयर चैम्बर जहाँ हाइंड एंड आ जाएगा इस एक्स्ट्रा ब्रांचल डाइवर्टिकुलम का तो वहाँ पर कुछ फोर्ड्स तैयार हो जाते हैं इस तरह के फोर्ड्स तैयार होते हैं हाइंड एंड की तरफ जो कि क्या कैसे नजर आते हैं एक एयर चैम्बर की तरह नजर आता है जो कि एयर चैम्बर का होता नहीं पूरी तरह से पर उसी तरह से नजर आता है अब यहाँ जो एयर चैम्बर बनता है जिसको हम कह रहे हैं वो एयर चैम्बर कम्युनिकेट करता है बकल कैविटी के, के साथ बाय अ स्लिट थ्रू विच द एयर पासिस इन एंड आउट तो ये जो एयर चैम्बर है वो क्या करेगा वो कम्युनिकेट करेगा बकल कैविटी के, के साथ बकल कैविटी कुछ नहीं एक पोर्शन जहाँ पर फिश का पूरा माउथ का स्ट्रक्चर सलाइवरी सलाइव्रिगलैंड अगर हो जैसे हम ह्यूमंस का एग्जांपल है तो सलाइवरी सलाइव्रिगलैंड टंग पैलेट्स टीत ये सारी चीज़ें जहाँ प्रेजेंट होती है उनको हम बकल कैविटी कहते हैं उसी तरह से जो फिश की बकल कैविटी होती है वहाँ पर ये एयर चैम्बर उसके साथ कम्युनिकेट करता है कैसे कम्युनिकेट करता है एक स्लिट के थ्रू तो वो स्लेट यहाँ पर रहती है जिसकी मदद मतलब से जो एयर पास एयर रहती है वो पास कर जाती है अंदर जाती है फिर बाहर जाती है इन एंड आउट तो ये हेट्रॉप की इन्फॉर्मेशन हो गई सेक्शन ऑफ एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ़ हेट्रॉप न्यूस्टिस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं तो यहाँ तक ठीक है अब इसमें क्या होता है ये हेट्रॉप या फिर इसका जो दूसरा हमने देखा था हम उस पर हेट्रॉप न्यूस्टिस पर ही फोकस करते हैं तो ये एक्स्ट्रा ब्रांचेड डायवर्टिकुलम यहाँ पर शो है एक्स्ट्रा ब्रांचेड डायवर्टिकुलम ये पाइपलाइन जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर ब्लैक पोर्शन ब्रांचल चैम्पर है गिल्स अगेन यहाँ पर है माउथ है नोस्ट्रेल है बार्बल्स है आइज़ है और ये उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बहुत ईजी डायग्राम मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए शो करे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल के टाइम पर हमें बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज होती है उन्हें यूज़ करना होता है इतना ज़्यादा अच्छे से डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है तो जो उसकी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स या फिर ये जो आ, कहना चाहिए मार्किंग्स होती है वो हमें लेना बहुत ज़रूरी होती है तो ये मार्किंग्स इसमें आ जाएगी और डायग्राम भी इजी है तो जल्दी बन जाता है तो ये तीन चीज़ें हो गई So that was all about the part first in which we saw accessory respiratory organs in fishes in this part first we focused for the practical exams and in the further videos we'll be seeing the theory portion also covering all the theory which is important for this topic so stay tuned for that and don't forget to like share and subscribe and thank you so much happy learning